दोस्तों काफी मजा आ रहा है ऊपर आके। और ये देखिए ये लेट चुका है यहाँ पे। काफी अच्छी हवा लग रही है। अभी सर्दी का मौसम है, हम काफी पसीने में भीग चुके थे आपने देखा पहले, लेकिन अभी ऊंचाई पे आके काफी मजा आ रहा है। और ये देखिए इसकी हालत क्या हो गई है, काफी मजे ले रहा है। और एक यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसका, ये क्या कर रहा है, काफी मजा आ रहा है। काफी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, काफी मजा आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ हरियाणा के एक छोटे से क्षेत्र में जिसका नाम है डोसी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ डोसी की पहाड़ी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो काफ़ी बड़ा पहाड़ है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस पहाड़ को कवर करने वाला हूँ पूरा। इसके अंदर क्या है, क्या ऊपर आप एक मूर्ति भी देख सकते हो, ऊपर एक कुछ महलनुमा भी देख सकते हो। तो आज हम उसको देखने वाले हैं ऊपर चल के, इसके ऊपर क्या है। और हम इसकी ऊंचाई पे चोटी के ऊपर भी कुछ मंदिर हैं, कुछ जगह भी है, यहाँ पे साधु संत काफ़ी रहते हैं। तो हम इसके ऊपर भी चलने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखें अंत तक। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारे जो वीडियो हैं आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तभी हम चलते हैं इसके ऊपर। दोस्तों इस जगह के बारे में ये भी माना जाता है, ये जो जगह है ये महाभारत काल से रिलेटिव है। जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पे अज्ञातवास किया था, तो ये जो जगह है ये उससे रिलेटिव भी है। तो अपन और ऊपर चल के देखते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं, उसको आज हम कवर करेंगे। और हमारी जो नजरें हैं की छा उस पर रहेंगी, अभी हम देखते हैं उसको। और गाइस आप ये बैकग्राउंड कितना खूबसूरत लग रहा है ऊंचाई पे आके। पैर हमारे जरूर थोड़े दुख रहे हैं, लेकिन नजारा जो है उससे हमारा मन भरने वाला है। काफी खूबसूरत है। अरे भाई तो 5-4 दिन हो रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इसके ऊपर, ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर पहुंच चुके हैं। तो मैं अभी आपको इसके ऊपर आगे और लेके चलता हूं और दिखाता हूं आगे हमें क्या और देखते हैं मिलता है। और यहां पे हमने पहुंचने के बाद हमें ये पता चला है कि ये जो महल नुमा टाइप था, ये यहाँ पे पहले कॉलेज हुआ करती थी, जो संस्कृत की जो कॉलेज थी वो हुआ करती थी। तो अभी हम इसके अंदर भी चलेंगे और मैं आपको ये अंदर से भी दिखाने वाला हूँ अंदर से कैसे है। और अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो मंदिर बनाया गया है हनुमान जी का। तो हमको इसके अंदर, हमने अभी किसी से बात की थी तो उससे ये पता चला था कि इसके अंदर काफ़ी मंदिर बनाए गए हैं। तो ये मंदिर देख सकते हो। और स्टार्टिंग के अंदर आप ये श्री बजरंगबली जी की प्रतिमा भी देख सकते हो। ऊंचाई के ऊपर इतनी ऊंची प्रतिमा काफ़ी दूर तक कवर देखने से दिखती है। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे है दोस्तों शिव कुंड है, और यहाँ पे शराब पीना सख्त मना है, कानूनी है, अपराध है। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ के साधु संत थे, उनकी प्रतिमा। पहले ये कॉलेज हुआ करती थी, संस्कृत कॉलेज जिसे बोला जाता था। अब इसको एक मंदिर में तब्दील कर दिया गया। ये प्रतिमाएं हैं सीताराम सीताराम, फिर उससे आगे और आगे देखते हैं इसके राम दरबार। ये रामेश्वर दास जी की प्रतिमा है। दोस्तों यहाँ की एक चीज़ ये फेमस है, जो रामेश्वर दास जी महाराज हैं
उन्होंने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी। ये जो मेरे पीछे संस्कृत कॉलेज है, संस्कृत महाविद्यालय, इसी विद्यालय के अंदर रामेश्वर दास जी महाराज ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। लोग आ चुके हैं इसके दूसरे हिस्से के अंदर, और आप ये जो जगह देख रहे हो यह शिवकुंड, यहाँ पे बनाया गया शिवकुंड। तो अभी हम इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं क्या। अड़ी कराओ पानी। तो ये है कॉलेज, अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं। जो पहले जो संस्कृत कॉलेज थी वो यहाँ पे लिखा गया है सफाई का ध्यान रखें। अभी हम इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, पांडव काल के संबंधित है। पांडव काल में जब उन्होंने अज्ञातवास लिया था उस समय की ये बिल्डिंग है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी हद तक ये सेफ है। ऊपर से इसकी छत जरूर गिर चुकी है थोड़ी, तो अभी हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं रुकने वाले क्योंकि अंदर खतरा है थोड़ा। लेकिन आपको मैं इसके कमरे भी दिखाता हूँ, ये इसके अंदर का है और इसमें ये छोटे छोटे कमरे हैं। ये देखिए इसके अंदर कमरे हैं और यहाँ पे खिड़की भी है, इससे बाहर का नज़ारा देखिए आप। तो अभी हम आगे और चलते हैं इससे बाहर, और आगे का नज़ारा मैं दिखाता हूँ इसको। ऊपर इसके ऊपर चलते हैं, जो डोसी की जो पहाड़ी है उसके अपन ऊपर चलते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे। अभी तो हम इसके आधा रास्ता भी हमने कवर नहीं किया, वो आप ऊंचाई देख पा रहे हो, वहाँ हमें चलना है। तो अभी हम इसके ऊपर चलते हैं।